ठीक है। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किया था, ठीक है। जिन बच्चों को फिर भी अगर कोई मान लो अगर दिक्कत आती है, मान लो कैमरे वगैरह में हो सकता है, ग्राफ वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए, प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली बोलिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको कुछ भी कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है आप, ताकि मैं अगर आपको उसमें अगर क्लियरली इन केस अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको नोट्स के कॉपी आपको भेज दूंगा उस दिन के, ताकि आपको फिर प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक, ठीक है। तो कल हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन देखा था, उसमें एक कर्व था, ठीक है। एक इसमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हमें दो कर्व पढ़ने हैं एक्चुअली, ठीक है। पहला पढ़ना हमें आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में कुछ नहीं है, इसमें जो ग्राफ बनता है वो वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, क्या होगा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। क्योंकि आइसोथर्मल कर्व मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट का कर्व है। किसका कर्व है ये, टेम्परेचर कांस्टेंट का कर्व। और टेम्परेचर कांस्टेंट के कर्व में हम क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं बेसिकली, नॉट एक्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली क्या, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो कर्व रिप्रेजेंट करता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप थोड़ी इधर से बात को ध्यान से समझो, तो याद करो अगर यहाँ पे मेरा पी नॉट बी था तो यहाँ क्या था, मेरा पी नॉट ए था। तो एक ग्राफ तो मेरा कैसे जा रहा था, लिक्विड वाला ग्राफ तो मेरा स्ट्रेट जा रहा था, और वेपर वाला कर्व कैसे जा रहा था, नीचे जा रहा था। इस तरीके से हमने ग्राफ देखा था, और हम इनको अलग कैसे करते हैं, जैसे ऊपर मेरा लिक्विड और नीचे मेरा वेपर है, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हम क्या करते थे, पहले हम जाते थे वेपराइजेशन, सॉरी उल्टा जाते थे, पहले हम क्या करते थे, वेपराइजेशन, याद करो पहले हमने क्या किया, वेपराइजेशन किया, फिर कंडेंसेशन किया, फिर क्या किया, लिक्विड से गैस गए तो वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड गए तो कंडेंसेशन। अब खुद से देखो क्या वेपर से जब कंडेंसेशन के प्रोसेस से मोल फ्रैक्शन में कोई जिस चेंजेस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यही चीज़ मैं आपको कल समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब जितना वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उनके मोल फ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, तो वो ग्राफिकली भी आप देख सकते स्ट्रेट लाइन है। फिर से अगेन क्या होगा, आप क्या करोगे, वेपराइजेशन करोगे, फिर से आप क्या करोगे, कंडेंसेशन करोगे, और फिर फाइनली एक वेपराइजेशन, फिर एक समय ऐसा आएगा वेपराइजेशन कंडेंसेशन वेपराइजेशन कंडेंसेशन, ऐसे करते आप एक समय ऐसा पहुंच जाएगी आपको प्योर लिक्विड ए का मिल जाएगा। आप चाहो तो उल्टा भी चालू कर सकते हो, दैट चॉइस इज योर, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर आइसोथर्मल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर्व, ठीक है। अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो आइसोबैरिक मतलब कौन सा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियस बात है ये ग्राफ फिर वेपर प्रेशर बस स्मॉल फ्रैक्शन का नहीं होगा। ये जो ग्राफ होगा बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व होगा, किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में टी नॉट बी मेरा कहाँ होगा, ऊपर होगा, टी नॉट ए क्या होगा मेरा, नीचे होगा। टी नॉट बी कहाँ होगा, ऊपर, सॉरी टी नॉट ए ऊपर होगा, टी नॉट बी अगेन मेरा क्या होगा, नीचे होगा। आप खुद से सोचो कि अगर मान लो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर मेरा 200 mmHg है और दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर मेरा 400 mmHg है, तो ऑब्वियस बात है आपको 200 पहुंचने में कम टेम्परेचर बॉइल करना, मतलब आपको कम बॉइलिंग, सॉरी 200 mmHg वेपर पहुंचने के लिए आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब 200 mmHg वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन वही 400 mmHg वाले का आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना दूर तक जाने के लिए, तो इसका मतलब ज़्यादा वेपर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका वेपर प्रेशर भी कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, तो अगेन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अब यहां पे क्या होगा, वेपर का तो कर्व ऊपर की तरफ रहेगा, दिस इज कर्व ऑफ वेपर। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, इनके कोई इक्वेशंस नहीं है, दिस ग्राफ्स आर एक्सपेरिमेंटली, तो जो भी आपको एनसीईआरटी वगैरह मिलेगा या हाई स्टैंडर्ड लेवल बुक में, स्पेशली एनसीईआरटी में आपको ये सब कर्व मिलेंगे, तो ये जो कर्व है ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली है, बस मैं उनको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ये कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या ऊपर लिक्विड आता था नीचे वेपर आता था, बट इनमें क्या होगा, वेपर ऊपर आएगा नीचे लिक्विड आएगा, लिक्विड का क्या स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं, लिक्विड का भी कर्व कैसा रहेगा, कर्व नेचर का रहेगा। तो दिस इज केस ऑफ लिक्विड, आई बात समझे। अब जैसे सपोज करो मुझे बी चाहिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं वेपराइजेशन करूँगा, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, और एक समय के बाद आएगा कि मुझे प्योर बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। देखो हो सकता है एक कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, बट मेरे से गलती से वो खिंचा गया है, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं होगा, ये मैंने गलत ही खींचा, सॉरी, थोड़ा मार्कर में हाथ नहीं बैठ पाता एक्चुअली, तो माई मिस्टेक। तो ये कर्व थोड़ा स्ट्रेट ही रहता है, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूँ,
अगर ये हुआ यहाँ से वेपराइजेशन, तो यहाँ से क्या होगा कंडेंसेशन, यहाँ से क्या होगा वेपराइजेशन, यहाँ से क्या होगा कंडेंसेशन, और फिर एक समय के बाद आएगा आपको प्योर लिक्विड भी मिल जाएगा। या आप उल्टा भी जा सकते हो, आप पहले बोलोगे सर नहीं सर मुझे पहले कंडेंसेशन करना है फिर वेपराइजेशन करूँगा फिर कंडेंसेशन फिर वेपराइजेशन फिर कंडेंसेशन, वो आपकी चॉइस है आप जिस तरीके से जाना चाहते हो, उसमें कोई ये पाबंदी नहीं है कि पहले आप कंडेंसेशन, तो दैट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। बट जो जनरल प्रोसेस होता है हम पहले क्या करते हैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं फिर वेपर को कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन में कोई मोल फ्रैक्शन का चेंजेस नहीं आ रहा है। अगेन आप देखो जैसे जैसे कंडेंसेशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन का कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो दिस वॉज योर ओवरऑल फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर, तो यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं चीज़ें कब ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्व की तरफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कर्व है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप ये पढ़ो कि फॉर्मेशन आखिर सॉल्यूशन फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में है क्या, जैसे आप याद करो गैसेस आपके दो टाइप के होते थे, एक वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉलो करता है वो क्या होता है आइडियल गैस होता है, लेकिन रियल गैस क्या होता है या नॉन आइडियल गैस क्या होता है भाई, ऐसा गैस जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फॉलो करे गैसियस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन को उसको हम बोलते हैं रियल गैसेस, ठीक है। लेकिन वैसे ही सेम चीज यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर तो वो मेरे लिए आइडियल गैस होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं फॉलो करता स्पेशल कंडीशन पे ही उन चीज़ों को फॉलो करता तो मेरे क्या हो जाता है रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आके पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर्म कैसे होता है। जैसे सपोज करो ये मेरा प्योर लिक्विड ए है, तो ऊपर में किसका होगा सिर्फ ए का होगा, ऑब्वियस बात है ए के वेपर भी बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए के वेपर भी बनेंगे। तो इन दो ए के बीच में क्या है ए इंटरैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं हम ए इंटरैक्शन, मतलब सिर्फ लिक्विड ए है तो ए और ए के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम ए इंटरैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मेरा क्या है अगर मैंने कोई दूसरा लिक्विड लिया प्योर लिक्विड बी इसके भी अपने सरफेस पे बी के ही मॉलिक्यूल होंगे पर वेपर भी किसका बनेगा बी का ही बनेगा, वेपर भी किसका बनेगा बी का बनेगा, और इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है बी इंटरेक्शन है, कौन सा इंटरेक्शन है बी और बी का इंटरेक्शन है, ठीक है, बी इंटरेक्शन है, इनके बीच में क्या है ए इंटरेक्शन है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो आपको एक क्या बनेगा एक सॉल्यूशन बनेगा किसका ए और बी का, तो ऑब्वियस बात है वेपर भी ए और बी के बनेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सरफेस में क्या बनेगा ए और बी। जैसे आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था कि भैया रिएक्टेंट क्या होता है, ऑब्वियस ये दोनों आपके लिए रिएक्टेंट हुआ और ये आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट हुआ। अब क्या होगा रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बनना है तो भैया सिंपल सी बात है पुराने बॉन्ड को टूटने पड़ेंगे और नए बॉन्ड को बनने पड़ेंगे, इसके मतलब ए इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा ब्रेक होगा यहाँ पे, और जब ये ब्रेक होगा तो हीट क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करता है, ये हीट इस केस में क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। यहाँ बी इंट्रैक्शन भी क्या होगा ब्रेक होगा, अगर सिंपल सी बात है इसको एक सॉल्यूशन बनना है तो आपस में इंट्रैक्शन क्या करेंगे तोड़ेंगे और ये किसके साथ बनाएंगे ए के साथ इंट्रैक्शन करेंगे फिर ये, और अभी साथ इस केस में भी हीट क्या होगा एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे, ठीक है, हीट भी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी ए बी इंटरेक्शन की, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं किसकी ए बी, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका किसका किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है ए और बी के, मतलब उसी को हम बॉन्ड नहीं बोल के सॉल्यूशन में हम उनको इंटरेक्शन बोलते हैं, तो ए और बी का इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहाँ के दो के बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा फॉर्म हो रहा है, और इसका मतलब ये जो होगा ये हीट एनर्जी क्या करेगा
रिलीज्ड करेगा, हीट एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज्ड करेगा। तो आई होप सो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इफ ऑल इंट्रैक्शन आर सेम। मान लो कहने का मतलब क्या है, ए ए इंट्रैक्शन, बी बी इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन, तीनों की वैल्यू क्या है मेरी, सेम है, तो उस केस में ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन और अगर अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, तो हर सॉल्यूशन को हम चार पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो चार पांच कैटेगरी क्या है, जैसे डेल्टा वी मिक्स, पहला कैटेगरी है कि भाई डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है, ये मेरा पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग, क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। तीसरा कैटेगरी क्या है, डेल्टा एस, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्स लिखो ज़्यादा बेटर है, डेल्टा जी मिक्स, ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग, चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। अब इसी चार कैटेगरी के आपको चार वैल्यू से आपको ये पता करना है कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले बात को समझो, मैंने क्या बोला भाई, दो लिक्विड लिए आपने, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, तो ए और ए के बीच में क्या ए इंट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में क्या बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है। तो जब मैं क्या बोलूँ, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको एक सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। यदि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, मतलब जो टोटल 50 और 50 मिला के अगर आपको 100 ml मिल रहा है, तो इट मीन्स चेंज इन मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ मिला क्या आपको, भाई कुछ नहीं भाई, जितना ऐड किया उतना ही मिला, ठीक है। तो जब जब डेल्टा V मिक्स जीरो होता है, जब डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, तो उस केस में हम सॉल्यूशन को क्या डिसाइड करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, आइडियल, मतलब 50-50 मिला, 100 मिल गया आपको, मतलब जितना ऐड किया टोटल वॉल्यूम ऐड हुआ, मतलब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 जिस केस में हुआ। मान लो इनके केस में क्या, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है और इसका वॉल्यूम V3 है। अगर V1 प्लस V2 की वैल्यू V3 के बराबर है इस केस में, तो इसका मतलब ये हमेशा डेल्टा वी मिक्स क्या हो रहा है, जीरो, मतलब मिक्सिंग पे वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है। क्यों भाई, जितना था उतना ही आपको मिल रहा है, जितना ऐड किया उतना आपको मिल गया। लेकिन अगर मान लो 50 और 50 मिक्स किया और आपको 110 मिल गया, 110 मिल गया, या 100 या 100 से कम मिल गया, या 90 मिल गया, तो उस केस में ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा, उस केस में हम इनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको इससे बेटर कंपैरिजन करना था, आप याद करो मैंने आपको रियल गैसेस में पढ़ाया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो मैंने आपको क्या बोला था, अब भाई पीवी बाई एनआरटी को अगर आप डिवाइड करते हो और अगर जेड की वैल्यू 1 आती है, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी तो हमेशा गैस मेरा क्या होगा, आइडियल गैस होगा। लेकिन अगर जेड लेस नॉट इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो लेस देन 1 होता तो हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं और ग्रेटर देन 1 होता तो पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी लगानी है, भैया V1 प्लस V2 अगर इज इक्वल टू V3 है, तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स जीरो है तो आइडियल गैस है, अगर डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में भी दो टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई, अगर डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो है तो आपका कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। सेम थिंग हम यहाँ पे भी डिसाइड करेंगे। वही डेल्टा एच मिक्स की बात करूँ तो ये वी मिक्स से भी आप देख सकते हो, डेल्टा एच मिक्स से भी देख सकते हो। डेल्टा एच मिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसने मान लो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 50 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए, 50 जूल। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ से करता, फ्रॉम द सराउंडिंग, आपको देना नहीं पड़ता, ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा 50 जूल, मतलब 50 जूल तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बोला, बहुत कम में क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 50 जूल एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे भी 50 जूल एब्जॉर्ब किया, तो टोटल एनर्जी जो रिलीज होने चाहिए तो वो 100 जूल रिलीज होना चाहिए भाई, जितना लिया उतना दे दिया, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब 100 तो टोटल ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये रिलीज कर दिया मान लो 120, अगर रिलीज कर दिया 120 तो ओवरऑल आपका सॉल्यूशन ठंडा रहेगा या गर्म, ऑब्वियस बात है ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया ना तो ठंडा रहेगा आपका, ठीक है। और अगर मान लो 100 टोटल 50 और 50 100 एब्जॉर्ब किया लेकिन सिर्फ 80 रिलीज किया, तो
अभी भी सॉल्यूशन आपका किस नेचर का रहेगा, गर्म रहेगा। मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा, लेस देन जीरो हो जाएगा इस केस। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो के केस में क्या हो जाएगा, मतलब 100 होना चाहिए था, 100 के बजाय 80 मिला, मतलब इट विल बी डेल्टा एच मिक्स जीरो तो नहीं है, अब इट विल बी लेस देन जीरो, मतलब माइनस 20 का डिफरेंस आ गया। 80 माइनस 100 देखो, और उधर क्या था 120 और 100, तो एंडोथर्मिक। सॉरी माय मिस्टेक, 100 माइनस मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन से 120 को सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 20 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा प्लस 20, ठीक है। तो इस केस में अगर उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, ठीक है, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, 100 माइनस 120 तो माइनस 20 आएगा। सपोज करो 50-50 एब्जॉर्ब किया और 100 मिलना चाहिए था, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज किया, तब तो आइडियल सॉल्यूशन है। 50-50 एब्जॉर्ब किया लेकिन रिलीज कर रहा वो 120, मतलब 100 में से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 होगा, मतलब माइनस 20 का डिफरेंस आ रहा। तो देन माइनस 20 डिफरेंस मतलब क्या, डेल्टा इज लेस देन जीरो, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा रहता है, अगर जब एनर्जी ज़्यादा अवकाश से ज़्यादा रिलीज कर देगा तो वो ठंडा पड़ जाएगा ना, लेकिन जितना एब्जॉर्ब किया लेकिन उससे कम रिलीज कर रहा है तो कुछ तो एनर्जी उसने अपने पास रखी है। मतलब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एंडोथर्मिक है, तो उस केस में आप तब भी सॉल्यूशन मेरा नॉन आइडियल ही रहेगा, चाहे डेल्टा एच लेस देन जीरो रहे या डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो रहे, जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज नहीं कर रहा, तो इस केस में वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, बट फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा एस मिक्स जीरो, सिंपल सी बात है, जब आप किसी दो चीज़ को मिक्स करते हो, रसना और पानी को आपने मिक्स किया, तो आपको क्या हथौड़ी हथौड़ी वगैरह देना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, ड्रिल मशीन चलानी पड़ती है उनको मिक्स करने के लिए? नहीं, आप सिंपल सा क्या करते हो, एक एक गिलास में रसना लेते हो, एक उसमें पानी डालते हो, उसमें रसना डालते हो, हल्का सा चम्मच घुमाओगे तो आपको रसना पीने लायक बन जाता है। मतलब आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद दोनों वो दोनों अपने आप बन रहा है, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसके मतलब इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कभी भी सॉल्यूशन बनता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्या होता है स्पॉन्टेनियस। तो याद रखना डेल्टा जी मिक्स जो होता है वो हर केस में, मतलब ये रियल और आइडियल दोनों के लिए डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, जीरो। भैया सॉल्यूशन जब भी बनेगा वो अपनी मर्जी से बनेगा और अपने आप बनता है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। तो ये बात हमेशा फिक्स रहेगी, डेल्टा जी मिक्स दोनों केस में लेस देन जीरो होता है और डेल्टा एस मिक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। चाहे कोई भी अब सॉल्यूशन बन रहा है, चाहे आइडियल और नॉन आइडियल हो, तो ऑब्वियस नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आइडियल और नॉन आइडियल के लिए ये दो केस फिक्स रहता है, बस इन दो केसेस के अकॉर्डिंग हम आइडियल और नॉन आइडियल को डिसाइड करते हैं। आइए बात समझ में, आई होप सो इतना चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे इनमें। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी मिक्स एंड डेल्टा एच मिक्स सॉल्यूशन एंड डेल्टा एच मिक्स सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज टू कैटेगरी, ठीक है। किसके बेसिस में, हम डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स के कैटेगरी से, मतलब इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को दो दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है मेरा आइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है मेरा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विच फॉलो रॉड्स लॉ, सॉल्यूशन विच फॉलोस Rawls law, solution which follows Rawls law and at all temperature and
concentration at all temperature and concentration are known as ideal solution. हम क्या बोल रहे हैं भाई, सेम आइडियल गैस का ही हम यहाँ पे वैलिड कर रहे हैं कि भाई जो सॉल्यूशन हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे क्या करता है, मेरे रॉड्स लॉ को फॉलो करता है, वो मेरे लिए क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है. क्या होता है मेरे लिए? आइडियल सॉल्यूशन. तो इसमें कैसे समझना आपको, जैसे मेरा टोटल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. मतलब अगर आपने ये फॉर्मूले से टोटल प्रेशर निकाला, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, P observed should be is equal to P calculated. कहने का मतलब है थ्योरेटिक आपको मैंने क्या किया, दो सॉल्यूशन दिया, उनके वेपर प्रेशर दे दिया, उनके मोल फ्रैक्शन दे दिए. थ्योरेटिकली आपने भैया सपोज करो जो वैल्यू निकालो वो P कैलकुलेटेड है, मतलब रॉल्स लॉ के फॉर्मूले को लगा के अगर आपको जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये सब ये डाटा अगर आपको गिवन है और आपने रॉल्स लॉ लगा के जो टोटल प्रेशर निकाला वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो उसको हम P कैलकुलेटेड बोलते हैं, ठीक है. लेकिन अगर इसी चीज को आप एक्सपेरिमेंटली करते हो, एक्सपेरिमेंटली मतलब जैसे इस तरीके से समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे आपने लिया सॉल्यूशन ए और बी का, किसका लिया, सॉल्यूशन ए और बी का. तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो. तो सॉल्यूशन ए और बी मान लो के लिए बीरियम पे आ चुका है, यहाँ पे वेपर बन चुका था, वेपर यहाँ से जाएंगे, ठीक है. इनिशियली ये डॉटेड लाइन जो है, इनिशियली मर्करी यहाँ पे क्या है, मर्करी है, यहाँ पे क्या है, मर्करी है. दोनों का लेवल इस तरीके से मानता हूँ मैं, इनिशियली डॉटेड लाइन मेरा क्या है, मर्करी का लेवल है. किसका लेवल है, मर्करी का लेवल है, ठीक है. तो जैसे ही वेपर बनेगा, वेपर बना तो वेपर यहाँ जाएगा और प्रेशर डालेगा, इसका मतलब मर्करी का कुछ लेवल यहाँ पे आ चुका है और ये मर्करी का लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है. तो ये जो वैल्यू मिलेगा इसको हम बोलेंगे पी ऑब्जर्व, मतलब एक्सपेरिमेंटल से वही वेपर प्रेशर आपने निकाला सॉल्यूशन का, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ठीक है. और इन केस अगर पी ऑब्जर्व बराबर पी कैलकुलेटेड है, मतलब इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या कर रहा है, रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है. और ये यहाँ ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर ओरिजिनल सॉल्यूशन का है, मतलब यहाँ पे जो है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आफ्टर प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर प्रेशर, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन था, लिक्विड था, वेपर नहीं बना था, तब यहाँ पे था डॉटेड लाइन था, लेकिन जैसे ही वेपर बना तो ये थोड़ा नीचे खसा गया, ये ऊपर चला गया. तो यही जो डिफरेंस इन जो डिफरेंस इन हाइट होता है मर्करी का, इसी को हम ऑब्जर्व प्रेशर बोलते हैं. ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है क्या, देखो तो क्लियरली दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है. तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी. अब इनमें कंडीशन क्या होती है भैया, कंडीशन ये होगा कि भाई जो भी, ठीक है, पी मुझे पता है पी कैलकुलेटेड क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये तो फॉलो करेगा ही, ये तो फॉलो करेगा ही. सेकेंड, और ये बराबर किसके होगा, पी ऑब्जर्व क्या होगा, ये पहला कंडीशन होता है. दूसरा क्या होगा भाई, जब डेल्टा वी मिक्स, इस केस में क्या रहेगा, हमेशा जीरो, 50 और 50 मिले आपको 100 ही मिलेगा, ठीक है. इस केस में क्या होता है, तीसरे केस में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्स क्या रहेगा, वो भी जीरो रहेगा. भाई 50 जूल एब्जॉर्ब किया, 50 जूल एब्जॉर्ब किया तो आपको कितना मिलेगा, 100 जूल ही वो रिलीज करेगा, ठीक है. लेकिन मान लो चौथा कंडीशन क्या होगा, डेल्टा एस मिक्स हमेशा क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते. इन चौथे और पाँचों कंडीशन हमेशा दोनों का क्या रहता है, रियल और नॉन आइडियल का, सॉरी नॉन आइडियल और नॉन आइडियल का क्या रहता है, सेम रहता है. ये कंडीशन डज नॉट चेंजेस, कभी चेंज नहीं करते ये आइडियल और नॉन आइडियल, क्योंकि ये फिक्स रहता है, ठीक है. दूसरी बात है, और छठा तरीका क्या होता है, कभी कभी आपसे थ्योरेटिकली ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब एक और तरीका क्या होता है कि मान लो एक कंटेनर में आपने ए इंटरेक्शन था, दूसरे कंटेनर में क्या था, बी बी इंटरेक्शन था, जब यहाँ पे बनेगा तो क्या रहेगा, ए बी इंटरेक्शन. तो ये तभी पॉसिबल है ना जब ये इंटरेक्शन बराबर ये इंटरेक्शन हो, और इन दोनों के इंटरेक्शन की वैल्यू इनके बराबर, मतलब हर इंटरेक्शन की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, तभी इस केस में क्या बन सकता है, आइडियल सॉल्यूशन. मतलब ए ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ए बी, तभी तो नेट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया. अब अगर मान लो ए ए इंटरेक्शन, ए ए और बी बी इंटरेक्शन
AB से ज़्यादा रहता तो इसका मतलब नेट वॉल्यूम जीरो लेस देन होता था, लेस देन जीरो होता था। लेकिन अगर AA इंटरेक्शन AB से भी ज़्यादा है, मतलब AB इंटरेक्शन इनसे ज़्यादा है, समझना बात को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AB, AB मतलब ये AB इंटरेक्शन कम हो गया, जब इंटरेक्शन कम हो गया तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा नेट सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर AA BB इंटरेक्शन लेस, मतलब ये जो होगा AB से कम होगा, मान लो नेट इंटरेक्शन इसका बड़ा इसका छोटा, जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। डोंट वरी, आगे मैं इसको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे आया इसलिए मैं, लेकिन अगर दोनों तीनों बराबर है तो इसका मतलब हमेशा क्या फॉर्म करेगा, आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा। आपको जनरली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हिसाब से ये पूछाएगा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि एटलीस्ट इसको ख़त्म करने के बाद एटलीस्ट रीड एनसीईआरटी बुक, और उनमें जो एग्जांपल आपको दिए हुए प्लीज़ बाय हार्ट दैट एग्जांपल। आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में डायरेक्ट वो एग्जांपल ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब इनमें पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ, पहचानने का तरीका क्या होता है, तो सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन इन विच बोथ द इंटरेक्शन, इन विच बोथ द कॉम्पोनेंट, सॉरी इन विच बोथ द कॉम्पोनेंट, इन विच बोथ द कॉम्पोनेंट हैव नियरली सेम पोलर नेचर, नियरली सेम पोलर नेचर, नियरली सेम पोलर नेचर एज वेल एज सेम एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज, एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज विल फॉर्म एंड आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब आप पहचानने का तरीका क्या है कि भाई जो ऐसे आपने दो सॉल्यूशन लिया, और अगर आपको आइडियल पहचानना या नहीं पहचानना तो उसमें एक ही तरीका है कि भाई आप एक काम करो, अगर दोनों का पोलर नेचर ऑलमोस्ट सेम हो या दोनों का ऑलमोस्ट मॉलिकुलर साइज सेम हो तो हमेशा वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन और टॉलविन, ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, ऑब्वियस बात है, ऑलमोस्ट मॉलिकुलर साइज सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों नॉन पोलर नेचर का। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, मिथेनॉल और इथेनॉल, ऑलमोस्ट एक कार्बन का डिफरेंस है और दोनों पोलर नेचर के, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। C2H5Cl और C2H5Br, ऑलमोस्ट दोनों क्या है, हैलोजन फैमिली से ही है, भले एक Cl और एक Br है, तो ऑलमोस्ट नेचर तो दोनों का सेम ही रहेगा। चौथा क्या रहेगा, आप उसे देखो ना, दोनों पोलर नेचर के, बस फर्क कितना है क्लोरीन और ब्रोमीन का, ये तो सेम ही है, तो मॉलिकुलर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट सेम साइज के मान सकते हो आप इनको, ठीक है। C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2, ठीक है, ऑलमोस्ट ये भी क्या फॉर्मूला, आप खुद से ऑब्जर्व करो कि ऑलमोस्ट नेचर दोनों का सेम रहेगा, है ना। अगर ये अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल होना चाहिए, अगर ये हैलोजन फैमिली से तो ये भी हैलोजन फैमिली से होना चाहिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम नेचर के हो जाएंगे, दोनों ऑलमोस्ट का साइज डिफरेंट। हाँ, अगर आप बोलोगे Cl2 और I2 तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आगे पीछे वाला ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, तो आप मान सकते हो कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। आई बात समझ सबको, तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इनके ग्राफ्स की बात करूँ, अगर मैं इनके ग्राफ्स की बात करूँ, तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो याद होगा P0B P0A, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन किसका ड्रॉ होता है, वेपर प्रेशर किसका ड्रॉ होता है, वेपर प्रेशर, और हमेशा मैंने बोला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उनके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, PA को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, PA को, ये PA को रिप्रेजेंट करेगा, ये PB को रिप्रेजेंट करेगा, और ये P टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ग्राफ हमने पहले भी देखे, तो ये ग्राफ किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के। बस फर्क क्या आता है,
फर्क आ जाता है लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है, ये सारे के सारे कर्व नेचर के हो जाते हैं। इवन तो ये भी कर्व हो जाएगा, ये भी कर्व नॉन आइडियल में, ये भी लिक्विड के लिए ही ड्रॉ करो, बट आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन नॉन आइडियल के लिए हर लिक्विड का स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनका कर्वेचर नेचर होता। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की, अब जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर मैं बेटा बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन वाइज तो आप ऐसे बोलोगे भाई जो सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन विच डज नॉट follow, solution which does not follow Raoult's law, Raoult's law are known as, non-ideal solution. Solution which does not follow Raoult's law are known as non-ideal solution. बस उसमें सबसे पहला कैटेगरी क्या होगा भाई, जो P ऑब्जर्व होगा वो कभी भी P कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा, हो सकता है लेस देन हो, उससे बड़ा हो या उससे छोटा, वो डिपेंड करेगा नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, तो इन दिस, अब सारी चीज़ें इसमें चेंज हो जाएंगे, इन दिस सॉल्यूशन इंटरैक्शन, मतलब अब जो AA और BB बराबर इंटरैक्शन, AA और BB का जो इंट्रैक्शन था वो ऑलमोस्ट ए बी के बराबर होता था, अब वो बराबर नहीं होगा। एक बात याद है, ए ए और बी बी का इंट्रैक्शन हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा चेंज, ऐसा नहीं करना कि ए ए का और बी बी का भी अलग और वो ए बी का भी अलग कर दियो। आप क्या लेते हो, नियरली हमेशा वो लिक्विड को मिक्स करते हो जिनका ऑलमोस्ट इंट्रैक्शन क्या होता है, सेम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब इसका एक रीज़न देखो, ऑयल और वाटर दोनों के इंट्रैक्शन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो हम आप उन दोनों को मिक्स करोगे तो कभी एक सॉल्यूशन नहीं बन सकता, हमेशा हम वो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो मिसिबल लिक्विड होता है। क्या होता है मिसिबल, तो दो टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन, एक होता है इमिसिबल लिक्विड होता है, एक होता है मिसिबल लिक्विड। तो हमेशा हम जो भी बात करते हैं वो मिसिबल लिक्विड की बात करते हैं, मतलब जो मिक्स हो चुके होते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग इन दिस सॉल्यूशन, इंट्रैक्शन बिफोर mixing and after mixing will be different। इसका मतलब सारी कंडीशन चेंज हो जाएंगे, मतलब P जो बराबर होगा, ये P जो मेरा क्या है, P observed कभी भी बराबर नहीं होगा P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, मतलब यही वैल्यू P कैलकुलेटेड होता था, मतलब P observed बराबर P कैलकुलेटेड होगा नहीं। इसका मतलब ये होगा कि P नॉट A विल बी नॉट इक्वल टू PA विल नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, और PB भी बराबर नहीं होगा किसके, P नॉट B इंटू एक्स बी, क्योंकि ये भी तो रॉल्स लॉ ही है, तो जब वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर वो इनके कैलकुलेटेड के कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा V मिक्स हमेशा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा H मिक्स भी क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एस मिक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिफ्थ केस क्या होगा, डेल्टा जी मिक्स क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन जीरो, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन दो टाइप के, एक तो सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन, जैसे सेम हमने आइडियल गैस में कैसे पढ़ा था उस जगह हमको यहाँ पढ़ना है, या तो सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या तो आपको वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन अगर मेरा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन कैसे शो कर सकता है, अगर ए बी इंट्रैक्शन ए और बी, ए बी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब ए बी का इंट्रैक्शन ए और बी बी से क्या है, ज़्यादा है, मतलब अगर ए सॉल्यूशन का नेट इंट्रैक्शन लिक्विड सॉल्वेंट से अगर मेरा ज़्यादा है, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, दैट इज़ वाई वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, समझ में आई बात आपको। द सॉल्यूशन इन विच, इसको आप कैसे पहचानोगे, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए ए एंड बी बी इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरैक्शन विल शो नेगेटिव डेविएशन। ऑब्वियस बात है ना, आप खुद से सोचो, अगर इंट्रैक्शन ए बी का ज़्यादा होगा तभी तो नेट वॉल्यूम कम हो गया, मतलब 50-50 मिक्स किया लेकिन आपको वो 90 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा लिक्विड और ज़्यादा क्या बनेगा, हाईली थिक लिक्विड बनेगा, तो हाईली थिक लिक्विड बनेगा इसका मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। देखो 100 में 90 तो खैर मैं नहीं बोल सकता, वो खैर गलत हो गया और डाटा के गलत हो गया, हो सकता 100 में 99 हो जाए या 98.5 हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा आपका कम हो जाए, क्यों, क्योंकि उनके बीच में सॉल्यूशन के बीच में आपस में मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में आपको क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा, इस ऑब्जर्व में ये मिलेगा जो पी ऑब्जर्व रहेगा वो हमेशा वो वैल्यू रहेगी क्या, लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दूसरा क्या मिलेगा, पी ए की भी वैल्यू क्या रहेगी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए से कम रहेगी और पी बी की वैल्यू भी क्या रहेगी, लेस देन रहेगी पी नॉट ए इंटू एक्स। ये पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपका, दूसरा कंडीशन हो जाएगा डेल्टा वी मिक्स जो रहेगा वो मेरा ऑब्वियस से बात है लेस देन जीरो रहेगा। तीसरा कंडीशन क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्स भी क्या रहेगा, देखिए नेगेटिव में हर चीज़ नेगेटिव ही रहता है, नेगेटिव में क्या रहेगा, हर चीज़ नेगेटिव, मतलब जितना आपने डेल्टा एंथैल्पी जो होगा वो नेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जितना एब्जॉर्ब किया उससे ज़्यादा उसने रिलीज कर दिया तो नेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया एंथैल्पी, एंथैल्पी नेगेटिव हो गया मतलब वो सॉल्यूशन आपको ठंडा मिलेगा। तो नेगेटिव सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन मतलब नेगेटिव आ सॉल्यूशन विद शोइंग नेगेटिव डेविएशन इज ऑलवेज कूलर देन ओरिजिनल सॉल्यूशन, आई बात समझ में, ठंडा रहता वो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या सा होता है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन तो पूछी जा सकती है, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो हमेशा मैं आपको यही बोलूँगा प्रीफर एनसीईआरटी, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, ये पूरा का पूरा मैं आपको एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ जेई और नीट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको एनसीईआरटी थोरोली एक बार पढ़ना है इस लेक्चर के बाद, ठीक है। आपको हमेशा उनके एग्जाम्पल याद रखने के, भाई नेगेटिव डेविएशन का क्या एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जैसा पहला एग्जाम्पल है CHCl3 प्लस एसीटोन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो CH3। तो नेगेटिव डेविएशन कब हो सकता है, जब दो लिक्विड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, और जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे CHCl और Cl प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब आपको ये पता ही होगा कि Cl क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा,
माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये नेट कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको डोनेट होता है, इनके बीच में क्या बनता है, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बॉन्ड एच बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इस वजह से नेट वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो जनरल वे में आप नेगेटिव डेविएशन किनको बोल सकते हो, तो इन जनरल वे में आप नेगेटिव डेविएशन उनको बोलोगे कि या तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एच बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एच बॉन्ड का क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए। इनके एग्जांपल क्या हो सकता है, सी एच एक्स थ्री प्लस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन क्या हो जाएगा, नहीं फ्लोरीन भी आप हटा दो, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले, और अगर आपको सी एच एक्स थ्री कोई कंपाउंड है तो ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, ये भी हमेशा क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो प्लीज़ मैं एग्जांपल की बात करूँगा तो प्लीज़ इसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा नेगेटिव डेविएशन के लिए, बट एक मैं जनरल तरीका बता दे रहा हूँ कि दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो उसमें सोचने की ये कोशिश करो कि उसमें एच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूँ, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, पी नॉट भी यहाँ पे है, पी नॉट ए यहाँ पे है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का ग्राफ अगर ये आइडियल होता था तो याद करो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, पी बी का ग्राफ कैसा होता था, डॉटेड लाइन का होता था, इसका भी ग्राफ कैसा होता था, डॉटेड लाइन का। अब ये क्योंकि आइडियल है नहीं तो ये इस लाइन को तो फॉलो नहीं करेगा, ये इसके नीचे से जाएगा, लेकिन रहेगा इनके बीच की वैल्यू, ये कर्व ऐसा रहेगा, ये भी नीचे से जाएगा और ये भी नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व ओरिजिनल से नीचे जाता है, और अगर ये ऊपर जा रहा मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से आपको वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है, कम, एक्सपेक्टेड से कम मिल रहा है, हमेशा देखो सबके वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से क्या मिल रहा है, आपको कम मिलता है, और अब जब ये कम होता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। आई बात समझ में सबको, ये चीज़ आपको क्लियर पॉइंट हुआ कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं, दिस वाज योर ओवरऑल नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉर्ड्स लॉ, तो सेकंड टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉर्ड्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन, इसमें क्या होगा, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन क्या होगा, ए बी से ज़्यादा होगा, मतलब ए बी इंटरेक्शन कम होगा तो ए बी इंटरेक्शन कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज
weaker than AA and BB interaction. AA and BB interaction will show positive deviation. From Raoult's law. ठीक है, ऑब्वियस बात है. देखो वॉल्यूम यहाँ पे, वहाँ पे वॉल्यूम घट रहा था क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था, बॉन्ड बन रहा था वहाँ पे. यहाँ पे बॉन्ड बनेगा नहीं, बॉन्ड टूटता है. तो टूटने की वजह से वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है. मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा. ठीक है, तो बस फिलहाल आप भी याद रखो, ए बी इंट्रैक्शन जो रहेगा वो वीकर रहता, बहुत वीक होता है ए ए और ए बी बी से. ठीक है, इसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पी ऑब्जर्व की वैल्यू जो रहेगी वो एक्सपेक्टेड से क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा रहेगी. ठीक है, पी नॉट बी एक्स बी, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि पी ए बराबर जो होगा वो भी बड़ा होगा पी नॉट ए इंटू एक्स से, और पी बी जो होगा वो भी बड़ा होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से. ये वैल्यू इनसे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी. दूसरा आपको फॉर्मेट ये भी समझ में आ रहा है कि डेल्टा वी मिक्स भी क्या रहेगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा. तीसरा भी क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्स क्या रहेगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा. चौथा जो रहेगा डेल्टा एस मिक्स क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा. और पांचवा क्या रहेगा, डेल्टा जी मिक्स जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, लेस देन जीरो होता है. तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही. तो मैंने फिर से बोला, वहाँ पे बॉन्ड बनता, यहाँ पे बॉन्ड क्या होता, ब्रेक होता. तो एग्जाम्पल की बात समझोगे तो एच बॉन्ड का यहाँ पे क्या होता है, एच बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है. क्या होता है, ब्रेक होता है. फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये कब होगा कि अगर एक कंपाउंड में वन कंपाउंड क्या करे, एच बॉन्ड कंटेन करता हो, एच बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो दूसरे वाले में एच बॉन्ड क्या होना चाहिए, एबसेंट होना चाहिए. दूसरे में क्या होना चाहिए, एच बॉन्ड एबसेंट होना चाहिए, तभी तो वो टूटेगा. आई बात समझ में. जैसे फॉर एग्जांपल इनके बात करूँ, मैं एग्जांपल की बात करूँ, H2O और C6H6. ठीक है, H2O प्लस C7H8, इनमें H बॉन्ड प्रेजेंट नहीं बट इसमें है. ठीक है, C2H5OH प्लस C6H6. ठीक है, और आप लिख सकते हो CH3OH प्लस C7H8. ठीक है, इन टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इन टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. तो फिर से अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, पी नॉट बी पी नॉट ए, तो अगेन ये एग्जांपल आपको अगर ये आइडियल होता तो ये स्ट्रेट लाइन जाता था, ये आइडियल होता तो क्या रहता था, स्ट्रेट लाइन जाता था. ये पी ए का ग्राफ हो गया. अब ये ग्राफ कैसा मिलेगा, ये ग्राफ आपको कर्वेचर का, बट एक्सपेक्टेड से क्या रहेगा, वैल्यू ज़्यादा रहेगी. हमेशा स्ट्रेट लाइन से ऊपर में ग्राफ ड्रॉ करना. ठीक है, तो दिस वाज योर ओवरऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने आपको पढ़ा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. अच्छा एक बात और, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही शो कर सकते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए कभी वैलिड नहीं होता है. ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात ग्राफ की बात करूं, इसका ग्राफ जो होता है आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि पी नॉट बी और पी नॉट ए के कर्व की बात करो, तो स्ट्रेट लाइन होता था किसका, मेरा स्ट्रेट लाइन होता था आइडियल सॉल्यूशन का. और अगर ये ऐसा कर्व होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा कर्व होगा तो नेगेटिव डेविएशन. यही तो हमने देखा, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन. तो एक्चुअली में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन. उस सारे वेपर प्रेशर के कर्व को मैंने एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया, और दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन. क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए. अब ऐसा समझो बात को, इस कर्व में एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर को, हो सकता है ये नहीं है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, अब बराबर है, ये पॉइंट मेरा क्या है, देखो ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम वेपर प्रेशर का बता रहा, और जिस कंपोजिशन, क्योंकि ये कर्व, ये ग्राफ किसका है,
वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, ठीक है। और मैंने ग्राफ मैंने वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन करा हुआ, स्ट्रेट लाइन रहता था तो आइडियल सॉल्यूशन होता था, ऊपर तरफ चला गया तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे तरफ चला गया नेगेटिव डेविएशन। अब इस ग्राफ में गौर तलब समझने या सीखने का क्या था, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट किस लिए, इसके एग्जाम्पल जो होंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन कौन से थे, प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी साइड। वाटर में 96% HNO3 अगर आप मिक्स करते हो तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इनमें जैसे जो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन देखा ना, इनमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। कैसे होता है, आपने सपोज करो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये लिया, तो आप क्या कर रहे हो, मान लो आप एनी हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हो, और मान लो आप इस पॉइंट पे आ चुके हो। इन केस मान लो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं एक समय ऐसा आएगा कि मैं इस वेपर प्रेशर पे पहुँचूंगा, तो ये वेपर प्रेशर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बाकी सारे पॉइंट्स के वेपर प्रेशर से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, मतलब दिस इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। और जैसे इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी का जो भी रेशियो होगा या जो भी कंपोजिशन होगा वो फिक्स हो जाएगा, मतलब आफ्टर दिस पॉइंट ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। कहने का मतलब है आफ्टर दिस पॉइंट ये कभी भी चेंज होने वाले नहीं है, समझ में आ रही बात। जैसे ही आप इस जगह पे पॉइंट पहुंच गए, मान लो जैसे आपने क्या किया, आप धीरे 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 बनाते गए और इस पॉइंट पे सपोज करो एक बार आप आ गए, वो जैसे भी आप आ गए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आए या जो भी मेथड से आप आए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आ रहे हो इस पॉइंट पे, अगर मान लो आप पहुंच गए और इस पॉइंट पे जो भी आपको कंपोजिशन मिलता है एक्स ए और एक्स बी का, फर्दर ये कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप जहाँ यहाँ पे आ गए तो फिर से आप मान लो जो वेपर बना इस कंपोजिशन पे, जो वेपर बना आप उसको फिर से कंडेंस करते हो तो सेम कंपोजिशन मिलेगा, फिर से लिक्विड को वेपराइज करो फिर से कंडेंस करो, तो मतलब ये एक्स ए और एक्स बी का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, और दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा लो, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुआ सबको, ठीक है, ठीक है। इसके दूसरा कर्व भी होता है, दूसरा कर्व मैं आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं दूसरे कर्व के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी सपोज करो मेरे पास दो डेविएशन था, तो पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये जो हमने एक नॉर्मल कर्व पढ़ा, मैंने आपको इसमें समझाया कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो जैसे मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा मेरा, मिनिमम होगा, और यहाँ पे जो भी एक्स ए और एक्स बाई की जो रेशियो होगी वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम वेपर प्रेशर तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूशन में आप दोनों चीज करोगे, अरे भाई या तो आप एग्जांपल आप पॉजिटिव डेविएशन, आप ऐसा सॉल्यूशन लोगे जो पॉजिटिव शो करे, या तो एक ऐसा सॉल्यूशन लगेगा जो नेगेटिव शो करे, ऐसा दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों शो करता है। तो ये मैं कर्व एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया आपको समझाने के लिए कि आखिर एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, हालांकि मैं दोनों को अलग अलग करके भी समझाऊंगा, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम जब जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। आपको अभी मैंने समझाया, अगर 200 वेपर प्रेशर है किसी का और किसी का 400 वेपर प्रेशर है, तो 200 वाला पहले गर्म हो जाए, क्योंकि वो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, आपको कम वेपर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे 400 बनाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे भी बोलते हैं इसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो वो बात करेगा पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो वो बात करेगा नेगेटिव सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो चलो अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव डेविएशन की, चलो शुरुआत में नेगेटिव डेविएशन से करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट से समझ में आया तो वेल एंड गुड है। इसका भी मैं दो कर बना सकता हूँ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और या अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो याद करो इसका कर्व कैसा था, पी नॉट बी, पी नॉट
ए, इसका कर्व कुछ ऐसा था। तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या था मेरा? मिनिमम था। दिस इज द मिनिमम वेपर प्रेशर। इस कर ये मैंने सिर्फ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को ड्रॉ किया है, बाकी इसे बाकी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं इसको अब समझाने की कोशिश कर रहा। तो दिस इज द मिनिमम वेपर प्रेशर, या इसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर। और जब इस पॉइंट पे वो आ जाता है तो फर्दर वो चेंज नहीं करता, चाहे आप कितना भी आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कर लो। ऐसे ही अगर मैं इसको समझाने की बात करूँ तो सपोज करो टी नॉट बी मेरा यहाँ पे था, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, और टी नॉट ए मेरा क्या था, यहाँ था। देखो अब इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, क्या होता है इसमें वेपर ऊपर रहता है, लिक्विड क्या रहता है, नीचे रहता है। तो अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस वेपर प्रेशर का देखा था ना कर्व, इससे पहले जो हमने ड्रॉ किया था, तो सेम मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन लेकिन एजोट्रोपिक मिक्सचर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर वाला तो क्या है, वेपर और नीचे वाला लिक्विड है, ऊपर वाला वेपर और नीचे वाला लिक्विड है। क्या होता है जैसे समझो बात को, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले वेपराइजेशन किया, फिर कंडेंसेशन किया, फिर वेपराइजेशन किया, फिर कंडेंसेशन किया, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मुझे मतलब एक ऐसे कंपोजिशन पे मतलब आप क्या करो, इन सॉल्यूशन को क्या करो, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करो, तो आपको क्या ऑब्जर्व मिलेगा कि एक समय के बाद ये सॉल्यूशन इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इनके ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या है, कम है। देखो कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो उनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहता, उनके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बीच के वैल्यू होते हैं। वैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट में भी सोच सकते हो कि भाई वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है ना, तो अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उनके प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से बीच में होना चाहिए तो वो मेरा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर मान लो आपने दो सॉल्यूशन मिक्स किया और आप ऐसे कंपोजिशन पे बाय मिस्टेक चले गए, आप जानबूझ के नहीं जा रहे हो बट मान लो बाय मिस्टेक वेपराइजेशन कंडेंसेशन करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहाँ पे इनका कंपोजिशन, मतलब जहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने यहाँ से स्टार्ट किया वेपराइजेशन किया कंडेंसेशन करते करते आप ऐसे पॉइंट पे आ गए, मतलब अभी भी ये सॉल्यूशन ही है लेकिन इनका मोल फ्रैक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। मतलब इस कंपोजिशन पे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इनके प्योर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन शोइंग मिनिमम वेपर प्रेशर बट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, हूँ कुछ और रहा है, सॉरी माई मिस्टेक वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने बोला मिनिमम वेपर प्रेशर तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर जितना कम हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा समझो बात को, मैं क्यों मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो टी नॉट बी आपका यहाँ था और टी नॉट ए कहा था यहाँ था, तो मिनिमम वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स रिलेशन शो करता है, हमेशा याद रखना वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या करेंगे, इनवर्स रिलेशन शो करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ऐसे समझो बात को, सपोज करो मेरा ये लिक्विड है मेरा,
ठीक है, सपोज करो हम इसका वेपर प्रेशर है 240 mmHg, क्या है 240 mmHg। मुझे पता है किसी भी लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट करने के लिए आपको एटलीस्ट 760 तक जाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाना पड़ेगा ताकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, मेरा मैक्सिमम हो जाए। लेकिन किसी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 570 है, मान लो किसी का वेपर प्रेशर 570 और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मुझे चाहिए वेपर प्रेशर 760, तो ऑब्वियस बात है इसका आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो इसलिए मैं बोला जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि भाई मान लो कुछ इस पॉइंट पे, मतलब इस पे, इस रेशियो पे, मतलब यहां पे, ये अभी भी कौन सा बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, ये किसका कर्व है, बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का कर्व है, तो आपको ऐसा ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि इस कंपोजिशन पे, इस कंपोजिशन पे, मतलब इस कंपोजिशन पे, ठीक है, ये कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वाई वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेशन टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि आप ऊपर वेपर है नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है नीचे लिक्विड है, तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसे वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड से वेपर में गया, वेपराइजेशन ऑफ, सॉरी माई मिस्टेक, इसको इस तरीके से समझो, ठीक है, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, उल्टा भी हो सकता है, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, फिर से कंडेंसेशन, मतलब जैसे ही आप इस पॉइंट पे आए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, मतलब इस कंपोजिशन पे, मान लो इस पॉइंट पे आपका जो कंपोजिशन रिलेटेड भी एक्स डैश से बाय एक्स डैश बी है, क्या है दोनों का, मतलब आपको कंपोजिशन कुछ ना कुछ तो होगा सॉल्यूशन का। अब आपको ऑब्जर्व ये करना है कि भाई इस जगह पे मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरा जो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी ज़्यादा हो गया, इनसे भी क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, किस कंपोजिशन पे, इस कंपोजिशन पे, और जिस कंपोजिशन पे मेरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब दो लिक्विड के, जो आपने जो दो लिक्विड मिक्स किया उनके बॉइलिंग पॉइंट से भी अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट मुझे ज़्यादा मिल रहा है जिस कंपोजिशन पे मिल रहा है, उस कंपोजिशन को ही मेजोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डेविएशन, शोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, क्या बोलते हैं हम इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपको क्या मिल रहा है, एक ऐसा कंपोजिशन मिल रहा है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, और जैसे ही इस कंपोजिशन पे आएगा फर्दर उनको अलग करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये कंपोजिशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये फर्दर चेंज ही नहीं करे, आप चाहे कितना ही कर लो वेपराइजेशन करने, देखो फर्दर उसके बाद ग्राफ नहीं है, उसके बाद ये ऐसा नहीं कि ऐसे मूवमेंट करेगा, नहीं ये ऐसे मूवमेंट नहीं करने वाला, ये फिक्स हो जाएगा ये वैल्यू यहाँ पे, और जैसे ही वो इस कंपोजिशन पे आ जाता है तो वो फर्दर आप उनको अलग नहीं कर सकते, क्यों अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स डस ए बाई एक्स डस बी ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई डस ए बाई वाई डस बी उतना ही फिर आपको लिक्विड मिलेगा, उतना ही वेपर मिलेगा, उतना ही लिक्विड मिलेगा, मतलब ये कंपोजिशन कभी भी चेंज होगा ही नहीं, ता इन्फाइनाइट उम्र तक आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते रहो, कभी आप इनको अलग नहीं कर सकते। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, वैसे ही हम नेगेटिव डेविएशन वाले की बात करेंगे, अब ठीक है, ये था मेरा नेगेटिव डेविएशन का। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका ग्राफ कैसा था बेटा, इसका ग्राफ मेरा ऐसा था, ये पी नॉट बी था और ये पी नॉट ए था, तो मतलब ये कुछ ऐसा था, तो मान लो इस पॉइंट पे मेरा वेपर प्रेशर क्या था, मैक्सिमम था वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा मेरा, मिनिमम, और इस टाइप, और यहाँ पे कंपोजिशन जो मिलता है, और इस कंपोजिशन के, मतलब इस टाइप के हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मिनिमम
बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। फिर ये कभी भी चेंजेस होने वाले नहीं है, चाहे आप कितना भी चेंज कर दो, ये कभी भी सेपरेट आप नहीं कर पाओगे इनको प्योर फॉर्म में। और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन की बात करूँ मैं, तो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो अगेन जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम, बराबर, ठीक है, टी नॉट ए, ठीक है। अब ऐसा समझो कि ये जो ग्राफ है ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, टी नॉट बी, अब ये क्या हो जाएगा, बॉइल मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम, मतलब वैल्यू इनसे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपको एक्स ए बाई एक्स बी का जो भी कंपोनेंट होगा फर्दर आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ऊपर वेपर नीचे लिक्विड, ऊपर वेपर नीचे लिक्विड, तो वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, फिर वेपराइजेशन, तो जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो फॉर पॉजिटिव डेविएशन कंपोजिशन लिख देता हूँ मैं इसमें, फॉर पॉजिटिव डेविएशन कंपोजिशन, डेविएशन कंपोजिशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीज आर एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, इसलिए इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। ये बस मैंने आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी मेरे मन से मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने क्या बोला, आफ्टर फ्रैक्चर डिस्टिलेशन करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है, अगर इस पॉइंट पे अगर आपका सॉल्यूशन पहुंच चुका है, मतलब इस पॉइंट को हम एजियोट्रॉप तो बोलेंगे, फर्दर यहां पर आप सेपरेट करना भूल जाओ, ये कभी सेपरेट होंगे ही नहीं, लेकिन ये हो जाएगा कि इस पॉइंट पे हम इसको नाम दे देते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप दे देते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल मुझे नहीं पता क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए, तो प्लीज आप एक बार एनसीईआरटी रीड करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि मिनिमम वॉल्यूम पॉइंट का एजियोट्रॉपिक का मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है और मैक्सिमम वॉल्यूम पॉइंट एजियोट्रॉपिक का मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर पॉजिटिव डेविएशन कंपोजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब ये कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो कंपोजिशन मिलेगा ना आपको उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, मतलब ये फर्दर कितना भी बॉइल कर लो ये इनका कंपोजिशन कभी चेंज ही नहीं होगा। Therefore the azeotropic mixture is also known as constant boiling mixture, क्या बोलते हैं इसको, constant boiling mixture, मतलब जितना वेपर फेज में इसका होगा उतना ही लिक्विड फेज में कंपोजिशन होगा, तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, constant boiling mixture बोलते हैं। Azeotropic mixture cannot be separated into pure liquid
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आप वेपराइजेशन कंडेंसेशन, एक समय आप सॉल्यूशन को उस जगह पे पहुंचा दोगे जहां पे कंपोजिशन इनका कांस्टेंट रहता है, और ये इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा जितना वेपर फेज में, जितना लिक्विड फेज में इनका मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन है, सेम वेपर फेज में भी रहेगा। मतलब मान लो एक्स से अगर 0.4 है और एक्स भी 0.6 है, तो जैसा ही वेपर बनेगा वो भी 0.4 और 0.6। तो फर्दर आप कितना भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते रहो, तो आप जितना वेपर बना आप उसको कंडेंस करोगे, वहाँ पे भी 0.4 और 0.6, फिर से आप वेपर बनेगा 0.4 0.6। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप। मतलब एक ऐसा कंपोजिशन हो जाता है जहाँ पे इनको फिर सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो दिस वॉज योर ऑल एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो पार्ट वन हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पार्ट टू में हमारा कल चालू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बाकी की चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।